लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। टीकमगढ़ शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में नागरिकता संशोधन को लेकर विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियां को स्पष्ट करते हुए नागरिकता संशोधन के विषय में विस्तार से चर्चा की। टीकमगढ़ शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और पत्रकारों के बीच नागरिक संशोधन कानून को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजन में पूर्व गृह मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यह कानून किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान करता है जो तीन पड़ोसी राष्ट्रों से प्रताड़ित होकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी अपना स्थान नहीं बना पाई, जिससे बौखलाकर नागरिकों को इस कानून को लेकर भ्रमित करने का काम कर रही है। लेकिन हम लोग देश के नागरिकों को रैली के माध्यम से और गोष्ठी कर कानून के बारे में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखिए, भारत सरकार ने जो नागरिकता संशोधन कानून बनाया है, यह नागरिकता संशोधन कानून हमारे पड़ोस के जो तीन राज्य हैं वहाँ के जो शरणार्थी है वहाँ के जो अल्पसंख्यक है जिनकी प्रताड़ना वहाँ पर हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा ननकाना साहब पर किस तरह का हमला पाकिस्तान में हुआ है, एक सिख युवक की हत्या हुई है, 23% आबादी से घटके वहाँ पर 1.5% आबादी हिंदू समाज की बची है। और इससे स्पष्ट है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी प्रताड़ना हो रही है। उनको भारत में नागरिकता मिले इसके लिए नागरिकता कानून बनाया गया। नागरिकता देने के लिए ये कानून है, किसी की नागरिकता लेने के लिए ये कानून नहीं है। परंतु पिछले दिनों जैसा हम सब ने देखा कि विपक्ष ने पूरे देश में एक भ्रम पैदा करके दंगे कराने का प्रयास किया, पूरे देश में हिंसा फैलाने का प्रयास किया, और इसलिए लोग नागरिकता कानून के बारे में ठीक तरह से समझ सकें, सारी वास्तविकता लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। टीकमगढ़ में भी आज उसी के अंतर्गत ये प्रेस है। 18 तारीख को CAA के समर्थन में रैली होगी, 19 को निवाड़ी में होगी। इस प्रेस के माध्यम से समाज तक ये संदेश पहुंचे, इसके लिए आज ये प्रेस आयोजित की गई। आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।